लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो तीन बातें और हैं, इसको भी गौर से सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि जो भी इलेक्शन जिन तारीखों में, अभी पांच चरण में इलेक्शन बाकी है, लिहाजा अभी आधे से ज्यादा इलेक्शन क्या है बाकी है। सबसे पहले घर की औरतों को समझाएं, अभी बहुत से जो नए वोटर लिस्ट पे नाम आए हैं उनको मालूम ही नहीं है कि ईवीएम मशीन कैसी होती है। आप यूट्यूब पर जाएं, दिन भर आप इधर उधर का गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब पर बैठ करके बच्चों को समझाएं कि ऐसे मशीन होती है, यहां पर लाइट जलती है, जिस पर आपको वोट डालना है उस पर दबाना है, और दबा करके ऐसे छोड़ना नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, कम से कम 7 से 10 सेकंड तक दबाए रखना है जब तक कि उसके अंदर से आवाज नहीं आ जाए। ये घर में नए वोटर्स हैं उनको भी बताएं, खुद भी जाने और औरतों को भी समझाने की फिक्र करें, नंबर एक। नंबर दो, जो लोग 18 साल या उससे ऊपर के हैं, कोशिश करें, क्योंकि सब लोग जो वोट डालने वाला एक बड़ा तबका जो है ना, वो सब 11 के बाद शुरू होगा। आप 11 से पहले वोट डालकर, क्योंकि औरतें घबराती क्या हैं, रश होगा, लाइन होगी, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, आप सुबह के वक्त में पहली फुर्सत में आप अपनी औरतों को कम से कम 100 वोट डलवाइए। एक वोट भी अगर आपका छूटा, उस वोट के छूटने पर भी आपकी गिरफ्त हो सकती है, एक वोट भी नहीं छूटना चाहिए। मालूम है आपको 1947 से लेकर ये कर्नाटक का जो इलेक्शन अभी हुआ है, इससे पहले तक मुसलमानों ने कभी भी 49% से ज्यादा वोट नहीं डाले हैं। लिहाजा ये आप अपनी रवायत को खत्म करें, 49 × 2 करें, 99% 100% सिर्फ शरई उज्र को मद्देनजर रखते हुए वोट कोई आदमी है तो वोट न डाले, वो एक बात है, शरई उज्र, उसके अलावा कोई उज्र। नौजवान उठें एक दिन की अपनी दहाड़ी लगाते भी हैं तो भी अल्लाह के लिए दहाड़ी लगाए और अल्लाह से उसकी दहाड़ी मांगे और अपने अपने मोहल्ले में जो है ना एक एक फर्द उठे और उठ करके इस काम को करना है। उसी तरीके से औरतों के लिए खास बात और हेडलाइन आ रही जिसकी प्रॉब्लम हुई अभी, अगर औरतें मेहंदी लगाए होंगी तो भी बसा औकात वो उन्होंने क्या किया वापस कर दिया है। ज्यादा बताएं कि इस हफ्ते कोई मेहंदी नहीं लगाई जाएगी, कोई मेहंदी नहीं लगाएं, और खासकर हाथ के ऊपरी हिस्से पर कतई मेहंदी न लगाए, नाखून पर नेल पॉलिश नहीं लगाए और मेहंदी नहीं लगाए, क्योंकि उनको लगाने में फिर वो प्रॉब्लम, हालांकि उनका राइट नहीं है लेकिन वो वक्त झगड़ा करने का नहीं है, वोट डालने का है। आप बाद में चैलेंज करेंगे ऐसा है वैसा है, वहां पर ज्यादा कानून बिगाड़ने से फायदा होने वाला नहीं है, वहां पर आपको उसका वोट डालना है, इस मकसद से जाए, ज्यादा इसका भी ख्याल रखें। और अगर अभी 3-4 दिन बाकी है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में, वो आपके पास वोटर आईडी है और वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अपने कॉर्पोरेटर से, अपने सियासतदान से पूछें किस मसले का हल क्या है। चैलेंजिंग वोट कहलाता है, अब उसकी क्या कैफियत है वो किसी वकील से, कि अगर आपके पास आधार कार्ड मौजूद है उस मोहल्ले का और उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, भले आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो भी आप चैलेंजिंग वोट डाल सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी मुझे तरतीब नहीं मालूम है कि उसको कैसे करना है क्या करना है। अभी टाइम है, होश से काम ले और सवाब की नियत से वोट डालने जाएं, सवाब की नियत से वोट डालने जाएं और अपने साथ दूसरे को लेकर के जाएं और सारी बातें उनको एक एक बातें बताने की कोशिश करें। हम अब ना वोटर लिस्ट बन सकती है ना कोई दूसरा, अब एक ही काम आप कर सकते हैं कि आप कितने लोगों को वोट डलवा सकते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है या वोटर आईडी है या उनके पास आधार कार्ड है। ये तरकीब अख्तियार करें और खूब अल्लाह से दुआ करते रहें, खूब दुआ करते रहें। ये जो मैंने तरकीबें बताई इसमें क्या चीजें आप अख्तियार कर सकते हैं, हर आदमी कम से कम एक चीज जरूर अख्तियार करे। कुछ नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, दो काम तो कर सकते ना, जो भाई से लड़ाई है वो तो खत्म कर सकते ना। उसके लिए कौन से सरकार ने आपको पाबंदी लगाई है कि जब तक लड़ते रहोगे तभी तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी, लड़ाई खत्म हुई तो स्कॉलरशिप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। है अल्लाह के लिए लड़ाई को खत्म करें, अल्लाह के लिए लड़ाई को खत्म करें
और दूसरा जो तहजीब वाली बात बताई इसमें भी आपको कोई रुकावट नहीं है। ज्यादा हर आदमी जो हमारी तकरीर सुने या जो सुन रहे हैं कुछ ना कुछ काम करे और अल्लाह से लौ लगाए, इंशाअल्लाह हालात साजगार हैं, एकदम साजगार हैं। और कहीं बैठे उठे तो नेगेटिव बात कतई ना करें, कतई नेगेटिव बात नहीं करें, हमेशा पॉजिटिव बात करें। और दानिश्वर वही होता है कि हालात की खराबी में उस नेगेटिव से पॉजिटिव को क्या करता है, बयान करता है। वही असल में पढ़ा लिखा है और वही असल में दानिश्वर है। और ये जो मायूसी की बात है ये सब जाहिल लोग हैं। अल्लाह आपके साथ है और आप इस उम्मीद से उठें और उठ करके इंशाअल्लाह मामला आपके हक में होगा। वाखर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।